सो वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल यूरेनियम हैकर पर। और आज हम बनाने वाले हैं इस फैन को, और ये फैन चलते हैं 100% फ्री एनर्जी से। इसको चलने के लिए सोलर एनर्जी भी नहीं चाहिए, ना ही कोई बैटरी चाहिए, और इसको जब चाहे तब इसको चला सकते हैं, और ये कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं, और ऐसा फ़ैन आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखा होगा। तो इसके लिए वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक गियर मोटर, और गियर मोटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह 12 वोल्ट का मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास 12 वोल्ट का मोटर भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो डीसी मोटर होता है उसके साथ गियर अटैच करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं लूँगा यहाँ पर एक कार्डबोर्ड, और इस गियर मोटर को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं इस गियर मोटर को लगा दूंगा इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने दो और भी कार्डबोर्ड के पीसेस कट करे हैं, और इनको मैं साइड साइड में इस मोटर को कर दूंगा इससे कवर। तो मिलते हैं कवर करने के बाद। गाइस, मोटर को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, और उसके साथ अटैच कर लिए दो वायर्स। और अब मैंने यहाँ पर लिया है कैपेसिटर, ये जो है 50 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर है। आप इसके आसपास का कोई भी कैपेसिटर ले सकते हैं अगर आपके पास ये वाला नहीं है। तो अभी मैं इसको मोटर के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, आपको इसका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। तो मिलते हैं कनेक्ट करने के बाद। कैपेसिटर को मैंने अपने ये मोटर के साथ कनेक्ट कर लिया है, और अब आपको ये सब कुछ इसके अंदर इसको अच्छे से कवर कर देना है। आपको सिर्फ इस मोटर की वायर्स को बाहर निकाल के रखना है। और कैपेसिटर इसमें क्या काम करेगा, कैपेसिटर सिर्फ जो वोल्टेज मोटर प्रोड्यूस करेगी उसको स्मूथ करेगा। तो चलिए करते हैं इसको कवर। सो गाइस, मैंने यहाँ पर कैपेसिटर को इसके साथ अटैच कर दिया है, और अब मैंने लिया है यहाँ पर एक डीसी मोटर, ये जो है छोटे छोटे साइज़ की डीसी मोटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बड़े साइज़ की भी यूज़ कर सकते हैं, उसका आरपीएम थोड़ा कम होता है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको स्टिक कर दूंगा। सो गाइस, मैंने इसके साथ जो है इस मोटर को अटैच कर दिया है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, जो इसका ये प्रोपेलर है ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है। मेरे पास इससे बड़े साइज़ का प्रोपेलर तो था, पर वो थोड़ा सा हैवी था, जिसकी वजह से इस मोटर की जो आरपीएम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी। तो मैंने इसमें छोटा वाला प्रोपेलर ही अटैच कर दिया। आप इसमें कोई भी हल्का और बड़ा प्रोपेलर लगा सकते हैं। तो अब इसको घुमाने के लिए, इसके शाफ्ट को घुमाने के लिए, क्योंकि ये हाथ से आराम से घूमेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पर बनाया एक एम सीरी का कुछ इस टाइप का पार्ट, जो कि यहाँ से ये शाफ्ट में इस मोटर के बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसको आराम से घुमा सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको इतना सा घुमाते ही ये पंखा काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे घूम रहा है, और ये काफ़ी अच्छी हवा भी दे रहा है। मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा अभी, और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना इसको रिचार्ज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बैटरी ही नहीं लगी हुई। Like a Hellcat.